बांदा में लॉकडाउन के बीच लोगों की समस्याएं बड़ी हैं, वहीं प्रशासन की तत्परता से राहत भी मिल रही है। इसका ताजा उदाहरण उस समय देखने को मिला जब लगभग 17 परिवारों के 5 दिन से भूखे होने का मैसेज चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त गौरव दयाल को मिला, जिसके बाद गौरव दयाल ने जिलाधिकारी बांदा अमित बंसल को मैसेज फॉरवर्ड कर तत्काल भोजन पैकेट भेजने का निर्देश दिया, जिसके बाद लेखपाल ने 20 मिनट के अंदर सभी भूखे मजदूरों को भोजन पहुंचाया। यूपी के बहराइच जनपद में जहां जिला मुख्यालय में लॉकडाउन सफल है, वहीं अन्य कस्बों में लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है। एक तरफ तेज तर्रार डीएम शंभू कुमार और एसपी विपिन मिश्रा कोरोना संक्रमण को लेकर सख्त हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसी जगह हैं जहां लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला बहराइच जिले के मटेरा चौराहे का है। यहां लोग खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। चौराहे पर लोगों का झुंड इकट्ठा रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। चौराहे पर बने पुलिस सहायता केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। दिन भर लोग बिना काम के सड़कों पर वाहन लिए घूमते देखे जा सकते हैं। बता दें कि लॉकडाउन के बाद 2-3 दिन तक पुलिस की सख्ती देखी गई। उसके बाद कुछ तथाकथित पत्रकार पुलिस की सख्ती का वीडियो बनाने में जुट गए, जिससे पुलिस प्रशासन का मनोबल टूट गया। अब आलम यह है कि लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि बहराइच में कोरोना के जो भी संदिग्ध मिले थे, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। पड़ोसी जिले बलरामपुर में कोरोना के कुछ मामले सामने आए हैं। ऐसे में इस तरह की लापरवाही किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।